अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी मुर्गियां अंडे देना छोड़ चुकी हैं, और उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी मुर्गी अंडे क्यों नहीं दे रही, और इंशाल्लाह आपके पास एट दी एंड एक सोल्यूशन भी मौजूद होगा जिससे आपकी मुर्गी दोबारा से अंडे देना स्टार्ट कर देगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी है कि हमारी मुर्गी अंडे क्यों नहीं दे रही। कुछ मुर्गियाँ जो मोल्डिंग स्टेज से गुजर रही होती हैं, यानी कि उनके पुराने पर झड़ रहे होते हैं और न्यू पर निकल रहे होते हैं, तो वो मुर्गियाँ अंडे देना छोड़ जाती हैं। तो ऐसे वक्त में आपको चाहिए कि आप उनकी डाइट पर ज़्यादा ध्यान दें, उनको अच्छी गिज़ा खाने को दें, और उसके साथ साथ आप अगर उनको मल्टी विटामिन्स दे सकते हैं तो वो आप दीजिए। मल्टी विटामिन्स आप उनको कुदरती तौर पर भी दे सकते हैं, जैसे कि आप सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये एक थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है। मैं चाहती हूँ कि आप सब्जियों के साथ साथ अगर कोई विटामिन का मल्टी विटामिन्स का सिरप यूज़ करें, जैसे कि वाइडेलिन है। मेरी नज़र में तो वाइडेलिन ही बेहतर है, क्योंकि ये मेरा इस्तेमाल किया हुआ भी है और उसके अलावा मुझे इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिले। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है वाइडेलिन। ये अभी भी मैं अपनी मुर्गियों के लिए यूज़ कर रही हूँ, दे सकते हैं, ये काफ़ी कम है, ठीक है। ये थिक होता है काफ़ी ज़्यादा, और आप इसको खुराक में या चाहे तो आप पानी में शामिल करके दे सकते हैं। ये आप अपनी मुर्गियों को दें, इससे कमज़ोरी भी दूर होती है, और कमज़ोरी की वजह से अगर आपकी मुर्गियाँ अंडे नहीं दे रही तो वो भी देना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये एक रीज़न हो गई। दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि हो सकता है आपकी मुर्गी कुड़क हो। तो जो मुर्गियाँ कुड़क होती हैं, यानी कि जो चाहती हैं कि हम अंडों के ऊपर बैठ के चूज़े निकालें, तो वो मुर्गियाँ भी अंडे देना छोड़ जाती हैं। ये ज़्यादातर जो असील मुर्गियाँ होती हैं, देसी मुर्गियाँ, या जो कुछ फैंसी मुर्गियाँ होती हैं वो भी कुड़क होती हैं। तो ये मुर्गियाँ जब कुड़क होती हैं अंडे देना छोड़ देती हैं। तो आप उनका अगर कुड़कपन ख़त्म कर लें, अगर आप अंडों पर बिठाना चाहते हैं तो अंडों पर बिठा लें, या अगर आप कुड़कपन ख़त्म करना चाहते हैं तो वो भी मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो आप देख सकते हैं कि कुड़कपन किस तरह से ख़त्म करना है। तो इस तरह से भी आप की मुर्गियां जो है वो अंडे देना स्टार्ट कर देंगी। और अगर आपकी मुर्गियों की एज ज़्यादा हो गई है, उनके अंदर फर्टिलिटी कम हो जाती है, तो उसके लिए आप कोड लीवर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, फ़िश का, या जिसको हम मछली का कैप्सूल बोलते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरे पास मौजूद है एवियन कैप्सूल, ये देख सकते हैं, ये फर्टिलिटी इंक्रीज़ करता है, अंदर विटामिन ई होता है, और ये आपने इस तरह से देना है कि ये कैप्सूल निकाल के सिर्फ कैप्सूल के अंदर का जो जेल लाइक फ्लूइड होगा वो आपने खाने में या किसी भी चीज़ में मिक्स करके वो अपनी मुर्गी को दे देना है। ये बाहर वाला जो जेल है ये आपने अपनी मुर्गी को नहीं देनी। तो इस तरह भी आपकी मुर्गी अंडे देना स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कैप्सूल को इस्तेमाल करने से डरते हैं, तो उनके लिए भी एक देसी इलाज मेरे पास मौजूद है। वो ये कि आपने लेनी है गंदम, ये गंदम आपने लेनी है, बिल्कुल साफ़ सुथरी हो, एक मुट्ठी आपने गंदम लेनी है, ठीक है। और उसको आपने क्या करना है, तवे पर रखना है, तवा गर्म करके उसके ऊपर भून लेना है, ठीक है। ये तो बिल्कुल लाइट सा कलर है ना, भूनने के बाद जो है एक चम्मच अपने ऑयल भी डाल देना, कोई भी कुकिंग ऑयल आप डाल सकते हैं, ठीक है। भून लें, आपने डार्क ब्राउन कर लेना है, और वो आपने जो है वो अपनी मुर्गियों को सुबह सुबह निहार मु जो मुर्गी अंडे नहीं दे रही, सिर्फ उनको अपने गर्म नहीं देना, ठंडे करके दानों को भूनने के बाद ठंडा करके वो आप अपनी मुर्गियों को दे दें सुबह सुबह निहार मु। आपकी मुर्गियां वो खाएंगी, और इंशाल्लाह से सिर्फ 3 से 4 दिन के अंदर, सिर्फ 3-4 दिन देना, ज़्यादा आपने नहीं देना, 3 से 4 दिन के अंदर आपकी मुर्गियां अंडे देना स्टार्ट कर देंगी। ये सारे के सारे आजमूदा टोटकी हैं, इस्तेमाल किए हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैं कोई भी चीज़ आपको इस तरह की नहीं बताती जो मैंने इस्तेमाल ना की हो। पहले मैं ख़ुद अपनी मुर्गियों के ऊपर इस्तेमाल करती हूँ, जो रिज़ल्ट आता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।